ओके, देखिए मैंने यहाँ पे इस टाइप में जैक फ्रूट को काट लिया है एंड इसको हल्दी और नमक वाले पानी में उबाल लिया है। ठीक है, आप भी ऐसे कीजिए। अब इसमें मैं एक अंडा तोड़ के डालूंगी, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी अच्छे से निकाल दीजिए। ये अंडा मैंने डाल दिया है यहाँ तोड़ के इसमें। अभी इसमें हम इतना सा ग्रेटेड जिंजर डालेंगे, सॉरी गार्लिक डालेंगे। यह है लहसुन, ग्रेटेड लहसुन यहाँ पे डाला है मैंने इतना सा, फुल स्पून भी नहीं। एंड इतना सा डालेंगे जिंजर, इतना सा चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक और यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि नमक इसको उबालते टाइम ही डाला था मैंने। और डालेंगे थोड़ा सा मैदा, आप चाहो तो यहाँ पे चावल का पाउडर भी डाल सकते हो, मतलब पाउडर चावल और चावल का आटा थोड़ा मिक्स कर सकते हो मैदे के साथ। थोड़ा और मैदा चाहिए, मैदा आप अपने हिसाब से लो, जितना आपको फील हो कि हाँ डालने की ज़रूरत है। इसको अच्छे से कोट करने के लिए हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे तेल मैंने गरम चढ़ बिठा दिया है, इसको अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे हम। अब एक एक करके इसको छोड़ देंगे, क्लस्टर मत कीजिए, थोड़ा सा स्पेस रखिए। ओके, यहाँ पे मैंने पकोड़े फ्राई करके निकाल लिए हैं एंड इस पकोड़ों को आप खा भी सकते हो सॉस के साथ। इन पकोड़ों को आप खा सकते हो सॉस के साथ एंड ऐसे भी अच्छी लगती है चाय के साथ शाम को। एंड जिस तेल में मैंने फ्राई किया था इसी में अब मैं एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड चिलीज़, ठीक है, कच्चे पक्के रेड चिलीज़। सो इसको मैंने डाल दिया एंड थोड़ा सा फ्राई करूँगी, जस्ट 30 सेकेंड, 1 मिनट इसको ऐसे चलाना है। एंड देन उसके बाद इसमें मैं एक एक करके सारा इंग्रेडिएंट डालूंगी। पहले डालूंगी अनियंस, देखिए इनको क्यूब्स के शेप में काटा है, ऐसा बड़ा बड़ा अनियन क्यूब्स आपको रखना है। इसको डाल दीजिए एंड 1-2 मिनट ऐसे चला लीजिए। अनियंस डालने के बाद इसको 1-2 मिनट ऐसे फ्राई कीजिए एंड उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को भी ऐसे ही क्यूब में काटा है मैंने। शिमला मिर्च, टोमेटो यहाँ पे डाल दूंगी मैं। थोड़ा सा इसको फ्राई कर रही हूँ अनियंस को। अब इसमें एक एक करके शिमला मिर्च, टमाटो डाल दिया है मैंने एंड थोड़ा सा अभी नमक भी डाल दूंगी ताकि अनियंस जल्दी पिघल जाए। देखिए आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग के ऊपर है, कोई कोई पसंद करते हैं प्याज थोड़ा कच्चा कच्चा रहे, कैप्सिकम थोड़ा कच्चा, थोड़ा जब मुँह में आए कच कच करे, ये टेक्सचर बहुतों को पसंद है एंड ऐसे ही होते हैं चाइनीज़ आइटम्स। बट मेरे एंड मेरे हस्बैंड को पर्सनली ऐसा पसंद नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा ओवर कुक करते हैं, ज़्यादा पका लेते हैं ताकि थोड़ा सा अनियन भी पिघल जाए, थोड़ा टमाटर एंड शिमला मिर्च पिघल जाए, हमें वो कच कच वाला फ्लेवर पसंद नहीं है। सो यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, देखिए मेरे सारे वेजिटेबल्स सौते हो गए अच्छे से। इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया है, सोया सॉस आप 1 स्पून भर के डालिए, अगर आपका डार्क सोया सॉस है तो 1/2 स्पून डालिए। मेरा ये लाइट सोया सॉस था तो मैंने 1 और 2 स्पून डाला था। और यहाँ पे मैंने टमाटो सॉस डाला है, आप टमाटो केचप भी डाल सकते हो। मैंने मैगी का हॉट एंड स्वीट सॉस डाला है एंड थोड़ा बीच में ब्लैक पेपर पाउडर भी मैंने डाल दिया था, शायद मैं वीडियो शूट करना भूल गई, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दीजिए एंड नमक एंड मीठा सब अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अनुसार आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपको जैसा नमकीन जैसा चाहिए उस टाइप में। मैं थोड़ा सा शुगर भी डाल दी थी क्योंकि खट्टा मीठा नमकीन ऐसा फ्लेवर आएगा इसलिए। एंड इसके बाद मैंने पकौड़ों को डाल दिया है। देखिए मैं ये ड्राई रख रही हूँ, मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए, मैं ड्राई चाहती थी तो मैंने ड्राई रखा है। आप चाहो तो ग्रेवी भी रख सकते हो, तो फिर आपको पानी पहले ही डालना था
पकौड़ा डालने से पहले आपको पानी डालना होगा इसमें, थोड़ा सा थिक ग्रेवी रख के उसमें आप डाल सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे ड्राई भी बना सकते हो, ये अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। सो मेरा जैक फ्रूट ड्राई चिली ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया है, इसको आप चाउमीन के साथ खाइए, इसको आप फ्राइड राइस के साथ खाइए, या पराठे के साथ बहुत अच्छा लगेगा, बट प्लेन राइस के साथ ये अच्छी नहीं लगेगी। सो आप ज़रूर चाउमीन या फ्राइड राइस के साथ इसको ट्राई कीजिए, एंड खाने में सच में दोस्तों बहुत टेस्टी बनी थी। एंड मेरा बेटा सोचा कि ये चिकन है, वो चिकन समझ के खा गया, बट और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनता है एंड जल्दी बन जाती है। बस वो कटहल को बॉयल करने वाला एंड छीलने वाला पार्ट ही सबसे लेंदी है, इसके अलावा ये बहुत झटपट बन जाती है एंड बहुत टेस्टी बनती है। तो मेरी रेसिपी तैयार है, आपको कैसी लगी बताना, फीडबैक देना एंड लाइक कर देना मेरे इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, आज है 1 तारीख, 1st of May, एंड सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। आज हम थोड़ा लेट ही उठे हैं क्योंकि कल सोए भी बहुत लेट थे, कल मैं व्लॉग एंड करना भी भूल गई थी, एंड घर टाइम से ही आ गए थे, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 10:15 बज रहा था, घर आए फिर क्या ना थोड़ा काम में बैठ गई थी स्कूल के वही काम लेके, तो मुझे सोते सोते 12:30 से ज़्यादा ही हुए, एंड तो उठी भी थोड़ा लेट, आज छुट्टी है इसलिए भी ब्रेकफास्ट हो गया। अभी अभी गए हैं बाज़ार, अभी बाज़ार करके लाएंगे तो लंच प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी। सो यही है, एंड बस कल का दिन बहुत, शाम बहुत अच्छा गया भैया भाभी के साथ, एंड गप्पे लगाए, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था, एंड आई होपफुली कि भाभी को मेरा गिफ्ट अच्छा लगा होगा, एंड बस यही है। चलिए, और अभी दिन गिन रही, बस घर कब जाऊँगी, आज हो गया 1 तारीख, 2 का हम लोग निकल जाएंगे, पहले तो जाएंगे दिल्ली, फिर दिल्ली से हमारा नेक्स्ट ट्रेन है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से नहीं है हमारे उस रूट का, तो पहले दिल्ली जाएंगे 4 बजे के ताज एक्सप्रेस से, तो दिल्ली में 1 नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे है हमारा ट्रेन राजधानी घर के लिए, फिर बस एक दिन, फिर 24 घंटा, तो फिर बस उसका अगले दिन घर पहुँच जाएंगे। तो बस अभी बस घर जाना है सही में, एंड मेरी मम्मी की भी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई इस बार, बंगाल में भी समर वेकेशन जल्दी स्टार्ट होगा, हर साल नहीं तो मम्मी लोगों की छुट्टियाँ नहीं रहती थी, मतलब मैं जाती थी मम्मी का स्कूल रहता था, मम्मी का छुट्टी हमेशा मंथ एंड मतलब मई एंड और जून में बीच में स्टार्ट होता था, तब तक हम आ जाते थे, इस बार मम्मी की भी छुट्टी 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी कल से, तो मम्मी भी घर पर ही रहेंगी छुट्टी पर, तो अच्छा है, और हम भी जा रहे हैं तो बढ़िया हो गया है ना, यही है, साथ में ही हम दोनों का समर वेकेशन इस बार चलेगा, वरना बंगाल में समर वेकेशन थोड़ा लेट होता था, बट इस बार गर्मी की वजह से ममता दीदी ने जल्दी दे दिया छुट्टी वहाँ भी, तो ये है। तो चलिए फिर ठीक है, आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, आज का संडे ऐसे ही स्टार्ट हुआ है, देखते हैं अगर कुछ खास होता है तो शेयर करूँगी, और कुछ खास नहीं होता तो नहीं होगा, जो होगा वही शेयर करूँगी। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ, एंड ब्रेकफास्ट हो गया, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं की क्योंकि बहुत उठी लेट, फिर जल्दबाजी में फ्रेश वेश हुई, फिर जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट सिर्फ मैगी बनाया था, मतलब नॉर्मल सूपी मैगी और कुछ नहीं। सो ये पूरा हफ्ता इतना मतलब चलता है ना, टिफिन पराठा सब्जी ये सब, तो सैटरडे संडे हम कुछ भी मतलब एकदम बोलते नहीं, एकदम नॉर्मल चीज़ खाते, कल जैसे दूध मुरमुरा केला ये सब खा लिया, आज मैगी बना लिया सूपी, तो ये शॉर्टकट में सही में सैटरडे संडे कुछ करने का मन नहीं करता है मुझे, क्योंकि पूरा वीक इतना हेक्टिक रहता है ना, सैटरडे संडे शरीर मेरा छोड़ देता है, एकदम जवाब दे देता, बोलता है कि नहीं मुझे रेस्ट करना है इस टाइम में, तो मुझे कुछ भी नहीं करने का मन करता सैटरडे संडे, ये है। ठीक है, चलिए फिर बाद में मिलूँगी आप लोगों से। जाओ बारिश में, फाइनली आज बारिश हो ही गई, आज है संडे एंड आज है 1st of May, आज 1 तारीख है महीने की और बारिश भी हो गई फाइनली। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी यहाँ, बारिश की बहुत ज़रूरी मतलब ज़रूरत थी, और प्रे ही कर रही थी बारिश आ जाए आ जाए, और आज आ गया फाइनली। क्या ओके फ्रेंड्स, तो शाम को बस आज का संडे ऐसे ही गया, यही सब काम कर रही हूँ अभी आपको दिखाया ना,
तो बस यही काम कर रही हूँ और क्या। चलो आज का दिन ऐसे गया और कुछ खास होगा भी नहीं, देखते हैं अगर कुछ हुआ तो शेयर करूँगी वरना नहीं। चलिए बाद में मिलती हूँ, चाय भी नहीं पी और अभी बारिश हो गई तो अभी चाय पियेंगे। ओके फाइनली इसका काम मेरा कंप्लीट हुआ, इसी में बिजी थी। ये सब मैंने काट के ये सब बनाया है। मदर्स डे का कार्ड मेरा ऐसा पैटर्न है, पॉपअप कार्ड। खत्म। बेड की हालत देखिए। ओके फ्रेंड्स फिर आज के लिए गुड नाइट। एंड काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये काम जस्ट ख़त्म हुआ है एंड और भी काम है। कल एक्चुअली मदर्स डे के लिए कार्ड एक्टिविटी है तो अभी बैठ के सारे कार्ड्स काटूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उतने अच्छे से नहीं काट पाते। काट के ले जाऊंगी फिर बच्चों से ही ग्लू से स्टिक करवाऊंगी, देन उसके ऊपर जो लिखना है या जो भी आर्ट करना है बच्चों से करवाऊंगी। ये बच्चों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा कार्ड में, बाकी कटिंग वर्क तो मुझे ही करके लेके जाना है इतने बच्चों का, तो अभी बैठ के वो सब काटूंगी। एंड डिनर अभी तक नहीं हुआ, अभी पहले डिनर कर लेती हूँ फिर ये और हबी सो जाएगा, मतलब मेरा बेटू सो जाएगा, हबी सो जाएंगे, मैं करती रहूँगी ये काम जब तक फिनिश नहीं होता। एंड ये मेरा रजिस्टर फाइनल हुआ है, इसमें और भी मतलब टाइम रहता तो और भी अच्छे से डेकोरेट कर पाती, बट बस अभी इतना ही टाइम है तो ऐसे ही इतना ही चलेगा, कल ही सबमिट करना है। तो ठीक है चलिए फिर आज के लिए गुड नाइट बाय, कल मिलूँगी। देखते हैं ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा कि नहीं पता नहीं, पर आज का संडे आज का ये ऐसे ही गया काम काम में ही। चलिए फिर भी पूरा काम यहाँ नहीं दिखाया, और भी बहुत सारे काम थे जो कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ये एक फोल्डर रेडी किया है, इसमें भी बहुत कुछ है, सो वही है, ये देखिए मेरा क्लास है UKG E। सो ये एक फोल्डर रेडी किया है, और भी है काम रजिस्टर वजिस्टर का, वो सब कर ही रही हूँ। तो ठीक है चलिए फिर गुड नाइट, बाद में मिल लूँगी आप लोगों से, टाटा। ये भी बना रही हूँ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स इसमें ये मैंने पेंसिल से लिख दिया, बच्चे ये सारे आउटलाइन करेंगे जैसे पेंसिल से किया, तो ये सब बच्चे इसके ऊपर से अपना आउटलाइन करेंगे, ट्रेस करेंगे। आई लव यू माँ लिखा है, ये भी बच्चे ट्रेस करेंगे। एंड ये है कार्ड, एक पॉपअप कार्ड बच्चों के लिए, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ये मदर्स डे स्पेशल हम बनवा रहे हैं बच्चों को, हर क्लास अलग अलग डिज़ाइन बना रहा है, मैं ये बनवा रही हूँ, अच्छा है ना। हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, अभी जस्ट ऑफिस से आई है ना, आज है मंडे, आज है 2 तारीख सेकंड में, एंड फाइनली छुट्टी हो गई, कल है ईद की छुट्टी एंड समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है 4th में से। एक मिनट, घर की क्या हालत हो रखी। हाँ तुम लंच कर चुके हो ना? मैंने कैंडी खाया और सूप पिया। क्यों तुम तो भातु खा चुके हो ना? बाबी ने गया। ओ तुम्हारे लिए बाबी ने छोड़ के गया। मम्मी दबाई बाबा कैंडी खाया, उससे मैं एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ेगा, ये जूस फिनिश करो पहले। फिनिश हो गया मामा। ये भी स्कूल गया था आज, मेरे हबी का मेडिकल था तो आई, ऐसे मत करो, वो इसको छुट्टी के बाद लेके आ गए थे घर, ये लंच कर चुका है और देखिए अभी जूस पी रहा है। इसको लंच बहुत पहले ही किया है, ये 1 बजे, अभी बज रहा है 3:46 आज मैं इतना लेट है। एक्चुअली छुट्टी मंथ स्टार्ट है एंड छुट्टी जाऊंगी तो उससे पहले सब काम करके आई क्लियर। ये लो बाबा ये लो, इसको फिनिश करो। ओके फ्रेंड्स बापरे, थोड़ा उधर जाओ, अभी थोड़ा चिल करने दो मुझे, रिलैक्स। अभी नहाने जाऊंगी बट आके अभी लेटने का मन कर रहा है सही में, बस छुट्टी स्टार्ट हो गई सही में, और क्या बताओ। चलिए अभी रात की सांस लेती हूँ एंड चलिए फिर बाद में मिलूंगी आप लोगों से, बात करूंगी। एंड एक अभी जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, थोड़ा खाना खा लेती हूँ, 3:46 हो ही गया, अभी खाऊंगी फिर थोड़ा ही खाती हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर अभी खा लिया थोड़ा मतलब फुल पेट अगर अभी खा लूँगी ना फिर क्या है, शाम तक वो खाना पचता भी नहीं है, रात को भूख भी नहीं लगती है। आ जाओ
थैंक यू बाबून, ये क्या है? वाह कितना सुंदर बनाया तुमने। ये क्या है? मदर्स डे कार्ड। इसको खींचो तो वहां से। वाह आई लव यू दिस। वाह वाह थैंक यू बाबून, कितना सुंदर कार्ड है। वाह 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 वा। बहुत बढ़िया, ये तुमने बनाया? वाह कितना सुंदर है, वेरी नाइस। वाह 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 बहुत सुंदर है। थैंक यू बाबून, थैंक यू, थैंक यू बाबून, थैंक यू। ये है मदर्स डे कार्ड बिटू ने बनाया मेरे लिए। मैडम ने हेल्प किया? अच्छा कितना सुंदर है बनाया, बहुत सुंदर बनाया है। देखिए इसमें लिखा आई लव यू दिस मच, हैप्पी मदर्स डे। हाँ बाबा, और तुमका फ्रेंड। हाँ हाँ ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी आ गए ऑफिस से और अभी हम दोनों मिलके बनाएंगे आइसक्रीम। ये एक आइसक्रीम का पैकेट लाया है तो उसी से बनाऊंगे अभी। अरे चलो चलो चलो, आइसिंग पाउडर लाया है तो उसी से करेंगे अभी आइसक्रीम। चलो सुनो, अभी आइसक्रीम बनाती हूँ एंड सेवई भी बनाऊंगी। चलो चलो चलो, देखो जाना। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। अरे हमें आमा के देखा चुके, तुम्हारे देखा चुके ना करो। किसमें तो करो। ओए पति लाना हूँ दूध। हाँ। तार पड़े ठंडा पड़े, जब ठंडा हो तो हमने एक घंटा बौछाया तार। ये पति लाना आमा के दाम नले सेवा इज जोन में। आठ पना पति ला चलो बड़े चार पति लाटा। चार पति लाटा को था? हाँ। तो हम हस्बैंड वाइफ मिलके भी बना रहे हैं आइसक्रीम एंड मैं बनाऊंगी सेवई एंड हबी को थोड़ा हेल्प कर देती हूँ आइसक्रीम बनाने में। ये बना के भी फ्रिज में रख देंगे, ठंडा ठंडा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है और आइसक्रीम को जमने में टाइम लगेगा। सेवई भी ठंडी ही अच्छी लगती है, बासी देखना आज बना के कल खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यही है, चलिए फिर बाद में मिलूंगी एंड आज का दिन तो ऐसे ही गया हमारा। जल्दी बाहन तुम्हारा क्या कर रहे हो? देखो ये स्पाइडरमैन का ड्रेस वेस निकाल के क्या कर रहा है? क्या करो कभी स्पाइडरमैन के ड्रेस से तुम? मैंने स्पाइडरमैन ड्रेस पहना था। क्यों पहने थे तुम स्पाइडरमैन ड्रेस पहन के? अभी क्या करोगे? इसे देखा खिड़की का पास। हट, क्या सब बोलते। ओके यहाँ पे दूध चढ़ाया सेवई के लिए एंड यहाँ पे सेवई फ्राई कर रही हूँ घी में। हालांकि ये रोस्टेड सेवई ही है बट थोड़ा सा और घी में फ्राई करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी। ओके तो ये तैयारियां मैं इसलिए कर रही हूँ, आइसक्रीम भी बना के रख दिया है फ्रीज में, फ्रीजर में एंड अभी सेवई बना के रखूँगी क्योंकि मेरी कल कलीग आएंगी। मैंने इनवाइट किया उनको, एक्चुअली उनके हस्बैंड चले गए घर, इनको छुट्टी नहीं मिला था। मतलब पहले दिन अभी इस महीने के पहले दिन उनको रहना ही था सो ऑफिस की वजह से वो नहीं जा पाई अभी। और उनका ईद ही तो मेन उत्सव है शहूता मैम का, तो अब बेचारी जा नहीं पाई घर, यहाँ अकेले अकेले अब उनका जाने का है बट नहीं जा पाई। कुछ उनको ट्रेन टिकट नहीं मिला और रिजर्वेशन ऑन क्या बोलते हैं उनको कुछ दिन बाद का मिला है, वरना वो आज ही
निकल जाती या फिर कल तक निकल जाती, बट उनको नहीं मिला इसलिए उनको स्टे करना पड़ रहा है। एंड उनके हस्बैंड पहले ही चले गए तो वो बेचारी अकेले अकेले घर में बोर हो जाएगी। एंड समझ ही सकते हो आपको ऐसा लगता नहीं है खाली खाली अकेले। सो मैंने फिर उनको बोला कि आप घर में क्यों अकेले रहोगे, इधर आ जाओ हम साथ में ईद मनाएंगे। तो मेरी कलीग कल आएंगे, उनके साथ हम ईद सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए मैं ये सब तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, अभी सेवई बना रही हूँ, ध्यान से बनाती हूँ नहीं तो भूल जाएगी। ये सब चीज़ें बहुत ही ट्रिकी होती है। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ, दिखाती हूँ सेवई जब बन जाता है फिर। तो मेरी सेवई यहाँ बन रही है, थोड़ी सी और गाढ़ी करूँगी इसको, थोड़ा और ठीक करूँगी। और आइसक्रीम देखिए मेरा कैसा बन गया, वाव, एकदम क्रीमी स्मूथ, बिल्कुल शॉप जैसा आइसक्रीम देखिए।